किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है जो इसे कवर है ओके ना। और इससे बेस्ट
देता है, ठीक है ना। हड़प्पा के बहुत सारे प्लेसेस गुजरात में घूमने गए। इसके अलावा हरियाणा में, हरियाणा के भगवान को राखी गढ़ी, ठीक है, बनमाली, इन सारे जगहों से भी हड़प्पा के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे इंडिया के और प्लेसेज हैं जहाँ से हड़प्पा का हमें एविडेंस मिला है और उसे डिस्कवरी होने का डिस्कवरी किया गया है, यानी कि डिस्कवर किया गया है, जिससे हमें और आगे पता चलता है, ठीक है, और किस जगह पर क्या मिला है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बताऊँगी, ओके। और फिर आप, मैं आपको बता दूँ आपको कि मोहनजोदारो ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मोहन ऑफ बे, यानी कि मृतकों का एक किला है, इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और साथ ही ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ कहने का मतलब है कि हर एक के घर में बेल तो थे ही, कुएं तो थे ही, लेकिन मोहनजोदारो में क्या था कि बड़ा सा टैंक खुलवा दिया गया, एक बिग टैंक था, यानी कि जब कभी ग्रुप में लोग आकर वहाँ पे बात कर सकते थे, इतना बड़ा टैंक था, यानी पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ एक साथ आकर बाकी का वर्क कर सकते थे। एक्चुअली में ये था क्या कि जब कभी पूजा पाठ हो या किसी भी तरह का एक्टिविटीज हो, कोई भी कार्यकाल हो, तो सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर बात कर सकते थे। एक बड़ा सा बिग टैंक वहाँ पे बिग टैंक को डिग कर दिया गया था, यानी खुदवा दिया गया था। तो ये आप कह सकते हो कि मोहनजोदारो इज फेमस फॉर अ ग्रेट बाथ, राइट। और हड़प्पा, एक हड़प्पा अपने हड़प्पा जाना जाता है वार हाउसेज, यानी कि ग्रेट वार हाउसेज, यानी कि स्टोरेज बना रखे थे जहाँ से, जहाँ पे ग्रेस को अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है, प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो वो हड़प्पा उसके लिए फेमस होता है, एक बड़ा सा अन्नागार होता है, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पे हम ग्रेस को अच्छी तरीके से रख